हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट टर्मरिक फेस पैक फॉर हेयर रिमूवल एंड रिड्यूस एक्ने स्कार एंड गेट ग्लोइंग स्किन, ये वाला वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इसको फेशियल हेयर का प्रॉब्लम बहुत होता है, किसी किसी को कुछ थोड़ा कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। तो इसे हम क्या करते हैं, कैसे किस तरह से रिमूव करते हैं, तो एक है हमारा वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लक करते हैं, और फोर्थ है जो है लेज़र ट्रीटमेंट। वैक्सिंग थ्रेडिंग करते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, आँख से आंसू आता है। प्लक करते वक्त बाल तो निकाल देते हैं, पर कभी कभी इनग्रोथ बाल भी आ जाता है उसमें, और वहाँ पर ब्राउन कलर का ऐसे कुछ स्पॉट हो जाता है उसे। और फोर्थ जो है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट तो बहुत ही इन फैशन में है, पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और कुछ सालों के बाद हमारे बाल वापस आते हैं, लाइक 2-3-4 सालों में हमें वो वापस बाल वैसे ही आना चालू होता है। और हम जब फेशियल वैक्सिंग से निकालते हैं, चाहे लाइक अपर लिप्स निकालते हैं या फिर फोरहेड पे बाल निकालते हैं, तो हमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है, ये हमारे दादी नानी भी इसे यूज़ किया करते थे और ये उनके पास जनरेशन से पास ऑन हुआ है, और ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी बताया गया है। सो ये जो इस ट्रीटमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाला है, ये हमारे इंडियन किचन में इजीली अवेलेबल है, जैसे बेसन, फिर है दूध, कच्चा दूध, फिर उसके बाद में रोज़ वाटर और हल्दी। एक बाउल में थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून बेसन। इसे इंग्लिश में वाइल्ड टर्मरिक कहते हैं और हिंदी में कस्तूरी हल्दी कहते हैं। तो अब थोड़ा सा रोज़ वाटर, गेहूँ, मलाई और उसके साथ में कच्चा दूध, मैंने दोनों साथ में मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक अच्छा थिक पेस्ट बनाने के लिए। ध्यान रखें कि ये पेस्ट जो है ये काफ़ी रनी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अब बढ़ते हम इस पैक को फेस पे लगाने की तरफ। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को पेट्रोलियम जेली जो है वो लगा रही हूँ, ताकि ये जो फेस पैक है ये मेरे आईब्रोज़ के बालों को ना लगे। और अब मैं इस पैक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ फेस के। तो ये ऐसा नहीं है कि लाइक अभी हमने इसको यूज़ किया और तुरंत हमारे फेशियल बाल खत्म, मतलब निकलने चालू हो गए या रिड्यूस हो गए। तो इसे हमें प्रोसेस में करना है रेगुलर, और रेगुलर जब करेंगे तभी इसके बाल, इसका रिज़ल्ट हमें देखने मिलेगा। ये वन टाइम रिज़ल्ट नहीं देगा, आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है और फिर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये पैक हमारी स्किन पर से डेड स्किन रिमूव करता है, साथ में एक अच्छा ग्लो भी देगा। इस पैक को हमें नियरली 15 से 20 मिनट तक इसे सूखने के लिए रखना है, और जब ये सूख जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है पैक। अब ये पैक पूरा सूख गया है, अब मैं इसे धीरे धीरे निकालूंगी फेस पर से, तो और ये मैं बालों के अपोजिट डायरेक्शन से लूंगी और सर्कुलर मोशन में। आपको इसे धीरे धीरे रब करना है जेंटली, और आप देखोगे कि थोड़े थोड़े बाल आपके निकलना चालू हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि वन टाइम में सारे बाल निकल रहे, पर ये धीरे धीरे आपको यूज़ करना है। पैक निकालने के बाद मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश किया है, आप देख सकते हो फेस पे अच्छा ग्लो आया हुआ है। तो इसे हमें रेगुलर यूज़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट हमें दिखाई देंगे, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है हमारे फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। अगर आपको लाइक हैंड पे भी बाल है तो आप इसे, ये ट्रीटमेंट को आप अपने हाथ पे भी यूज़ कर सकते हो, और ये टीनेजर्स को भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा, क्योंकि टीनेज में क्या होते हैं कि चेहरे पे बाल ज़्यादा आना चालू होता है और साथ में पिंपल्स आते हैं, एक्ने प्रॉब्लम होता है। तो ये पैक जो है ये टीनेजर्स भी आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो हम इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, टाइप्स के लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इवन टीनेजर और किसी भी एज ग्रुप के लेडीज़ इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे फेस के अलावा हमारे हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जेंट्स आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। आप फेशियल हेयर तो नहीं रिमूव करोगे, पर हाँ आपके स्किन पे ग्लो ज़रूर आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में आंसर दूंगी।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो अबाउट फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में जो हमने टर्मरिक फेस पैक और बाकी प्रोडक्ट्स से बनाए हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। फिर देखिए, बाय।